हम क्यों नहीं जा सकते बाहर, हमें कोई रेप कर सकता है। हले भी तुहानू ये लगता है कि यह केस तो बाद भी यह वारदाता हो सकती है। हाँ, हमें रॉबरी से डर नहीं लगता, हमें और किसी चीज से डर नहीं लगता, हमें सिर्फ इसी चीज से डर लगता है। जो बंदे ने सरकार ने पकड़ फड़ के उनके हवाले कर देना चाहिए जी, बस आपे बबले फैसला करे। रंगला टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। हैदराबाद कांड के गैंग रेप के दोषियों का इनकाउंटर कर दिया गया। इस इनकाउंटर के बारे लोगों का की कहना है, आओ जान लेने। तुहाडा नाम? चारुल। हैदराबाद के जो इनकाउंटर किया गया आरोपियों का, वो बारे थोड़ा की कहना? इनकाउंटर के बारे में क्या कहना, दिस वॉज द राइट डिसीजन आई गेस। अगर वो मार के भी नहीं भाग रहे थे, वो उनका पहले ही इनकाउंटर कर देना चाहिए था। मतलब द फैक्ट दैट वो मार के भाग रहे थे पुलिस को, दैट वॉज ऑल्सो नॉट नेसेसरी, इट इज़ अ गुड डिसीजन। और अगर ये आरोपियों जनता के हवाले कर दिया जाता या फिर ये आरोपी थोड़े सामने आ जाते तो तुम की कर? मेरे सामने तो मैं अपने सामने का विजुलाइज नहीं कर सकती, बट हाँ अगर लोगों के सामने आते तो यू नो पब्लिक कैसी है इस केसेस में, तो ही वुड नॉट, सबको ही मतलब दे वुड नॉट बी हेयर, और उनको और बुरा हाल होता है उसके बाद भी। गर्ल्स की प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट नो होर की कुछ करना चाहिए, जिमें कि हम नवा हेल्पलाइन नंबर है जो चलाया गया, ये बारे थोड़ा की कहना, थोड़ा की लगता है कि यह होर ज़्यादा ये लड़कियों की सुरक्षा बढ़ेगी या नहीं? हेल्पलाइन नंबर्स फ़र्क तो पड़ता ही है, एक सिक्योर वाली फीलिंग आती है कि कोई है, देर आर पीपल बिहाइंड अस जो हेल्प कर सकते हैं। आई हैव नोटिस कि बहुत बार ऐसे होता है दूर दूर तक कोई नहीं होता, हम अकेले रोड पे चलते हैं, यही फियर होता है लड़कों को, ये फियर होता है कि कोई दे वुड समवन वुड कम एंड ड्रॉप देम, बट हमें यही फियर होता है कि कोई लड़का होगा और वो मतलब मॉलेस्टेशन का ही केस लगता है हमें, और कुछ हमें रॉबरी से डर नहीं लगता, हमें और किसी चीज़ से डर नहीं लगता, हमें सिर्फ इसी चीज़ से डर लगता है कि देर वुड बी अ मॉलेस्टेशन वाला केस। तो ऑब्वियसली अगर कोई होता है, ऐसी हेल्पलाइन नंबर होती है या फिर कोई पुलिस प्रोटेक्शन हमारे पास की जाती है, तो वी फील दैट वी आर नॉट यू नो लेफ्ट अलोन एट दीज प्लेसेस, वी आर सिक्योर्ड, इट फील्स होम दैन। जो इनकाउंटर किया गया इस तो बाद जो क्राइम हो रहे हैं रेप के स्पेशली, ये घट जाएंगे? आई डोंट थिंक सिर्फ इस एक्ट से कटेंगे, वो पूरी आपको थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी, और वो एक दिन से नहीं होता, वो पूरे तुम्हें उन लोगों को, उन लोगों की मेंटालिटी चेंज करने के लिए घरों से कोशिश करनी पड़ेगी कि घरों में तुम अपने बेटों को, अपने भाइयों को क्या सीख दे रहे हो। तो इट विल नॉट हैपन इन वन डे, एक इनकाउंटर से उनको और यही लगेगा कि वी नीड, वो तो अपने लूप होल्स निकाल लेंगे कि हमें बचने के लिए और क्या करना है, दे विल स्टिल डू दैट, वो बस निकाल लेंगे हमें बचना कैसे है। पहली बार उन्होंने बचने का तरीका निकाला, उसको जला दिया, अब दूसरी बार कोई और निकाल लेंगे तरीका, वो ये थिंकिंग ही उनके अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है बचपन से कि दिस इज़ नॉट राइट, या फिर उनके पेरेंट्स जब तक उनको बचपन से ये सीख नहीं देंगे तब तक चेंजेस वी कैन नॉट एक्सपेक्ट। मतलब एज अ गर्ल हले भी तुहानू ये लगता है कि यह केस तो बाद भी यह वारदाता हो सकती है? हाँ, अभी भी होंगी, और उन चीज़ को चेंज लाने के लिए हम सब की थिंकिंग में चेंज लाना इंपॉर्टेंट है, और फैमिलीज़ की थिंकिंग में लाना चेंज लाना इंपॉर्टेंट है। उनको अपनी बेटियों को रोकना नहीं चाहिए बाहर जाने के लिए, उनको इंस्टेंट अपने बेटों को बोलना चाहिए कि दिस इज़ रॉन्ग, तुम्हें, तुम बाहर जा रहे हो, तुम मुझे बताओ तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए रैदर दैन द गर्ल। बॉयज़ नू किस तरह की एजुकेशन देनी चाहिए या फिर यह मामले के इक्वालिटी की लर्निंग देनी चाहिए बचपन से ही, बचपन से ही सिखाना चाहिए। हम लोग एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से नहीं है, तभी भी हमारे घरों में भी यही होता है कि बेटा 8 बज रहे हैं, घर पे जाने, बाहर जाने से पहले बताओ कहाँ जा रहे हो, और वही मेरा भाई अगर बाहर जा रहा है तो यू कैन गो, देर इज़ नो प्रॉब्लम, बिकॉज तुम्हें कोई रेप नहीं करेगा, हम क्यों नहीं जा सकते बाहर, हमें कोई रेप कर सकता है। बट उनको ये समझाना चाहिए कि तुम भी बाहर मत जाओ क्योंकि तुम किसी और का रेप कर सकते हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बचपन से ये सिखाना अपने भाइयों को और अपने बेटों को। देखो जी जोड़ा काम किया है तो बहुत माड़ा काम है जी, किसी वास्ते भी जड़ी जी सज़ा आती है भी घट ही है, इन्हों तो घट्टो घट्ट जो इनकाउंटर ना करते तो घट्टो घट्ट फांसी तो जरूर होनी चाहिए सी, भी अगों तो सारी दुनिया में पता लग सके भी यह कांड करन नाल भी इन्नी सज़ा सख्त हो सकती है, अगों हर बंदा इस गल करन नू पहला 4 वारी सोचेगा, इस करके जो कुछ होया वधिया होया जी, बहुत चंगी गल है जिहड़ा जल्दी जल्दी फैसला हो गया, नहीं तो फैसले 20-20 साल ऐ लंबे लंबे लटकते रहेंगे, अगले कोई डर पै खत्म ही हो जाता बिल्कुल ही, भी डर है ही नहीं साडे मन भी असी कांड किया भी पता नहीं सजा मिलेगी कदों ना मिलेगी, कई बंदे नूं फटाफट कोई जमानत कर छड़ देंदे आ, फटाफट कोई वकील छड़ा लेंदे आ, ऐसा भी नालों नाल फैसला हो गया बहुत चंगी गल है जी। जे हैवान लोगों के हाथ
आ जाते तो फिर लोग की करते तो थोड़े सामने आ जाते तो तुम की करते लोगों ने तो यही गल जो कानून ने तो बाद सज़ा दी चाहते उन्होंने पब्लिक लोसे वेले सज़ा देने से जो अखा सामने आ जाते नाले दुनिया में सारे आल वाले पता लगता बई यहो जी दोषियों को कि सज़ा मिलनी चाहिए है वैसे तो इन्होंने कार ही पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए यहोजे बंद सरकार फड़ के उनके हवाले कर देना चाहिए जी बस आपे पब्लिक फैसला करे बस जी कानून सख्त हो जाए तो जी पब्लिक की लोड़ भी ना पवे जिमें हम किया ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰ ਆਰੋਪੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ ਜੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਦੋ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਐਕਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਵਾਂ ਪੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਆ ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਥਾ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਵੇਟਿੰਗ ਫਾਰ ਇਤਨੇ ਦਿਨੋਂ ਕੇ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਤਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਸੀ ਸੌਰੀ ਅਗਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ सी द थिंग इज ये नहीं है कि जनता के सामने हो रहा है जनता के पीछे हो रहा है अगर किसी और को भी किसी क्राइम के लिए कुछ भी पनिशमेंट मिलता है वो भी जनरली जनता के सामने नहीं होता थिंग इज कि पीपल सेटिस्फाइड हैं उसके या नहीं जो भी लोग हैं कोई भी अगर कुछ गलत कर रहा है उसे पनिशमेंट देना इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसके सामने हो रहा है या नहीं इस बाद क्राइम कटेगा या नहीं दैट डिपेंड्स क्योंकि सिर्फ एक स्टेप से क्राइम तो नहीं कम होगा क्योंकि हमने देखा कि उस दिन का केस होने के बाद ही बहुत सी और भी जैसे नोटिफिकेशंस ऑन रहती हैं हमारे फ़ोन पे और उस दिन के बाद ही एक ही दिन में चार पाँच छः इतनी न्यूज़ आ रही थी छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी गलत हो रहा है तो दैट इज़ नॉट अ राइट डिसीजन एक स्टेप से कुछ नहीं चेंज होगा गवर्नमेंट को रूल्स चेंज करने पड़ेंगे वेट करने से रादर है क्विक एक्शन रिक्वायर्ड है तभी कुछ रुकेगा तो अनुवीर रात में 9 या 10 बजे तो बाहर निकलने तो बाद डर लगता है ऑब्वियसली क्योंकि आज के टाइम पे वी आर नॉट इवन सेफ इन आर लोकेलिटी अपनी लोकेलिटी में भी हम सेफ नहीं हैं और अगर किसी बाहर किसी जगह पे जाते हैं या किसी अगली सिटी में जाते हैं तो ऑब्वियसली डर तो लगता ही है कि कहीं अगर किसी और के साथ होता है डेफिनेटली वो हमारे साथ भी हो सकता है सो इतने फिर प्रशासन वालों हर एक लड़की नू प्रोटेक्शन कितना दी देनी चाहिए ताकि ऐसी घटना हो ही ना सके किसी भी चांस ही ना हो ऐसी घटना होने का प्रोटेक्शन इन द सेंस कि अगर हमारे रूल्स ही ऐसे हों हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ रूल्स पॉलिसीज़ ही ऐसे बनाए जिससे हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत ही ना पड़े खुद से वो पता हो कि हाँ हर लड़के को वो चीज़ पता हो कि हाँ अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमारे खिलाफ़ बहुत से स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा सकते हैं क्योंकि रैदर देन टीचिंग द गर्ल्स कि वो क्या प्रिकॉशंस लें वो क्या करें उन्हें भी तो सिखाओ ना कि क्या रिजल्ट हो सकता है तभी वो लोग भी डरेंगे और कुछ नहीं होगा तो इतने फिर एजुकेशन की भी गल आती है कि जिमें इन्होंने कहा कि कुड़ियों को कहा जाता है कि तुम इन्ने बजे तो बाद बाहर नहीं जाना अगर मुंडा जाता है तो वह चला जाता है तो ये पिछले फिर कितना कितों ये भी कहा जा सकता है कि फैमिली का भी हाथ होता है डेफिनेटली फैमिली का भी हाथ होता है अगर उन्हें घर से ही सिखाया जाएगा कि लड़कियों की कैसे इज्जत करनी है कैसे उनके साथ बिहेव करना है तो ऑब्वियसली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम हो जाएंगी और जैसे हमने देखा है ये वाले भी जो भी लोग थे जिन्होंने भी ये सब क्राइम करा है दैट वर ऑल नॉट कि कोई अच्छी फैमिली से नहीं थे वो लोग वो मिडिल क्लास या लो क्लास फैमिली से ही थे वो लोग भी तो अगर अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं डेफिनेटली मैंटेलिटी चेंज होती है आजकल के टाइम में पढ़े लिखों में तो लड़के लड़की में कोई फ़र्क ही नहीं है उन लोगों का ही माइंड सेट कुछ ऐसा है पढ़ते नहीं है कुछ है नहीं माइंड में करने के लिए तो गलत चीज़ों की तरफ ऑब्वियसली ध्यान जाता है तो इससे अच्छा है कि वो एजुकेशन की तरफ ध्यान दें जो भी होया मैडम वधिया होया पुलिस ने वधिया कीता पर उन्होंने भजना नहीं चाहिए सी सरेंडर कर देना चाहिए सी पर जे चलो मारना हर चीज़ का हल नहीं हुंदा पर पुलिस भी किसी वजह ना मजबूर हो गई होनी है कुछ उन्होंने भजन की कोशिश की होनी है तो आरोपी सी वधिया कीता जो भी कीता पुलिस ने बहुत वधिया कीता ते ही इनकाउंटर तो बाद तुहानू की लगता है कि जिहड़ियां इह वारदातां ने इह घट जाणगियां बिल्कुल मैडम कानून ते सब नू विश्वास आ हर समाज दे विच कुछ क अंसर इदां दे हुंदे ही हुंदे आ पंजे उंगलां कदे बराबर नहीं हुई हर समाज इहो जे ये नहीं भी अपने देश ही आ हर देश पनपदे आ इहो जे जानवर ही कह सकते आपां इन्हां नूं हर देश ने ठीक है जी तो यह भी किसी कोई सामने आ जाता कोई सामने नहीं आता हाँ जी तो इहो जे आरोपियों नूं इहो जे आरोपियों नूं जनता के हवाले करना चाहिए या फिर नहीं नहीं मैडम
ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਹੈਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸੇ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆ ਜੀ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਅੱਜ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਲੀਫ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਾਅ ਫੋਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਕਿਊਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਦੈਨ ਲਾਅ ਛੋਟ ਪ੍ਰਵੇਲ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭੈ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਗਜੀਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਸਪੀਡ ਅਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਜਨਤਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਇਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਜੋ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੈਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸੇਮ ਜੋ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਸੇਮ ਜਾਂ ਫਿਰ 4-5 ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਈਕਰੋਟੈਕ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁਟਾਪਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੇਸ। ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਿਤ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਰੰਗਲਾ ਟੀਵੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।